बिहार में दिखा, देश में दिखेगा, यही अपराध दिखेगा ना। जब इनके विधायक बिहार से चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो ये स्वयं लोकसभा का चुनाव बिहार से जीतेंगे। जब तक मुख्यमंत्री हैं बिहार पे ध्यान दें, और अगर नहीं दे सकते तो इस्तीफा दें। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी तो इन्हीं लोगों के टिकट कटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना पहुँचते ही यह दावा कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं से भी चुनाव लड़ ले वो जीतेंगे नहीं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू को झटका दे रही है तो बिहार में भी जेडीयू के विधायक टूटेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। अरे प्रभु, लड़ें जहां से उनको चुनाव लड़ना है, पर जब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद वो संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे? या से प्रधानमंत्री पद की लालसा में बिहार में दिखा, देश में दिखेगा, यही अपराध दिखेगा ना। देश को क्या करना चाहते हैं ये? अपराध का गढ़ बनाना चाहते हैं? भ्रष्टाचार का अड्डा देश को बना देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं मुख्यमंत्री? भाई आपको उत्तर प्रदेश आके चुनाव लड़ना है, पता है कि भैया बिहार से लड़ेंगे जीतेंगे नहीं? जब इनके विधायक बिहार से चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो ये स्वयं लोकसभा का चुनाव बिहार से जीतेंगे, ये संभव नहीं है। अब इसके लिए ये जाकर लड़ें उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, जहाँ से जाकर इनको चुनाव लड़ना है लड़े, पर जब तक मुख्यमंत्री हैं बिहार पे ध्यान दें, और अगर नहीं दे सकते तो इस्तीफा दें। बिहार का विलय कब होगा ये देखने वाली बात है। बिहार में भी जदयू की इकाई में जिस तरीके से असंतोष है, जनता दल यूनाइटेड के अधिकांश विधायकों में असंतोष है। भैया व्यक्तिगत तौर पर तो सबकी बातचीत होती ना रहती है, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये कदम जो उठाया बार बार, कभी इसके साथ कभी उसके साथ मिलकर सरकार बनाने का, तो जनता दल यूनाइटेड के भी तमाम विधायक, और भैया ये विधायक जीतकर किसके सामने आए थे? इन्हीं लोगों के सामने जीतकर आए थे ना, जिनके साथ जाकर इन्होंने आज समझौता कर लिया। जितने विधायक इनके जीते या जो विधायक इनके हारे, जो प्रत्याशी इनके चुनाव हारे, वो राजद के सामने ही चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के सामने ही चुनाव लड़ रहे थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी तो इन्हीं लोगों के टिकट कटेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही बड़ा दावा किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला, तो ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।